तो सर आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर आपका बहुत बहुत बेहतर स्वागत है, बेहतर आप बहुत सारे लोग आपका इंतजार, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हैंडिंग ओवर दिस नाउ माइक सर को, और सबसे आइए सबको पहले सुनते हैं सब लोग। सबको थैंक यू सर। सबसे पहले सशीष भाई धन्यवाद। मेरा काल से थोड़ा तबीयत मुझे भी खराब सुनना है, है यहाँ दो दिन थोड़ा। तक दो दिन से ऑफिस नहीं जा पाया। सबसे पहले तो धन्वंतरी परिवार में जितना भी आदमी है, आज आज जितना भी लाइव में आए हैं, सचिन भाई को सुना, मेरे को सुनने के लिए आए, सबको धन्यवाद। सर बहुत बड़ा चुनौती फिर से आ गया, फिर से महामारी कोरोना फिर से हम लोग का जीवन में आ गया, सावधानी में रहना पड़ेगा। 2 दिन हो गया, मेरा भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया, गला सुन के पता लग रहा है आप लोगों को। हम लोग का जो आयुष्कत पाउडर है, दिन में कम से कम 3 बार, और मोआ सुदर्शन गन कम से कम दिन में 3 बार। मोआ सुदर्शन गन जिसके पास नहीं है, अश्वगंधा कम से कम 3 बार डेली लीजिए प्लीज, क्योंकि हम लोग का दो चुनौती सामने है, एक कोरोना और दूसरा है हम लोग का फैमिली का फ्यूचर, हम लोग का सपना। कोरोना काल में तो बचना तो पड़ेगा ही, फैमिली को भी जिंदगी देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, और उसके साथ हम लोग का जो सपना है धन्वंतरी परिवार में आने के बाद जो सपना देख रहा हूँ, हम लोग डेली का सपना देख रहा हूँ, वो सपना भी सक्सेस करना है। यस या नो? पता नहीं है आप लोग कितना आदमी देख रहे हैं, मेरे को फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइनिंग में आ रहा हूँ, इतना कुछ मेरे को पता नहीं ऑनलाइनिंग के बारे में, मगर दो चार शब्द मैं इतना ही बोलूंगा सर। सर हम लोग का काफी कुछ प्रॉब्लम है, सबको पता है, प्रॉब्लम के बारे में काफी कुछ इंक्वायरी आता है, फोन आता है, रिक्वेस्ट आता है, अच्छा लगता है जो लोग रिक्वेस्ट करके बोलता है सर हाँ जी ये कर लीजिए, हम लोगों को ये आगे बढ़ेंगे, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ये ठीक है। और कुछ इंसान होता है ना जो छोटा छोटा प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम की वजह से दूसरा जगह में भाग जाता है, दूसरा कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच लेता है, नेगेटिव कुछ सोचता है। सर देखिए धन्वंतरी आज के डेट में ना, जब शुरू शुरू जब हुआ था तब छोटा था, शायद अभी भी छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, मगर इतना भी छोटा नहीं है जो छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए आप लोग छोड़ के जा रहे हैं। कुछ बंदा है नेगेटिविटी बोलता है, ये करता है वो करता है, देखो जो जो इंडस्ट्री में जो कंपनी में इतना इनकम हो रहा है, इतना इनकम होने का चांसेस है, जो प्लेटफॉर्म में इतना सपना देख रहा है आदमी, तो वहां पे छोटा छोटा प्रॉब्लम आना चाहिए मेरे हिसाब से। जब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तब कुछ नहीं रहेगा, ये सपना आप लोगों का जो टारगेट है जो चैलेंज है अपने अपने, वो कुछ नहीं रहने वाला है। मेरा जिंदगी में भी एनी टाइम चुनौती आता है, जब सॉरी जैसे देखिए जब सॉफ्टवेयर मैंने नया सॉफ्टवेयर जब बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, दो आज से 1 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 12 महीना चल रहा है लॉकडाउन, और 12 महीना मेरा नया नया तरीका मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, वो काय के लिए, वो मेरे से अकेले के लिए नहीं, मेरे को भी बड़ा आदमी बनना है, मगर आप लोगों को बना के बनना है, सिर्फ अकेला नहीं बनना है। इसलिए मैं क्या सोचा था जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था, सर नहीं लॉकडाउन में हम लोग काफी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, काफी प्रोडक्ट में डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्पैच डिपार्टमेंट पे डिस्टर्ब हो रहा है, पे आउट डिस्बर्समेंट में डिस्टर्ब हो रहा है, बैंक बंद है, तो इसलिए हम लोग क्या किया, ऐसा कुछ लेके आऊंगा मैं सोचना चालू किया, जहाँ पे जो 6 महीना 1 साल जो प्रॉब्लम होगा हम लोग को पता लग गया था काफी दिन से लॉकडाउन चलेगा, तो जब लॉकडाउन खत्म होगा जब बंद होगा तब ऐसा कुछ किया जाए कम से कम 1 साल का काम 1 महीने में कर पाऊंगा, ये सोचना स्टार्ट हुआ मेरा 1 साल पहले। और उस टाइम सोचते सोचते बहुत कुछ मैंने दिमाग लगाया, मगर आखिर में एक चीज मेरा मन में आया, देखो जो इंडिया में हम लोग जो देश में हम लोग रहता हूँ इंडिया में, यहाँ पे 97% इंसान नेटवर्किंग या मल्टी लेवल को पसंद नहीं करता, हम लोग सिर्फ 2 या 3% इंसान ही नेटवर्किंग पसंद करता हूँ, और ये 3% इंसान देखो दूसरे कंपनी में भी है मेरे पे, हम लोग का भी है, सब मिल के बांट के हम लोग काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में 3% इंसान नहीं है,
टोटल लाखों कंपनी है उसके अंदर 3% है, मगर 97% से लेके 98% इंसान जो लोग नेटवर्किंग पसंद नहीं करता वो कौन है? आपका फैमिली मेंबर, मेरा फैमिली मेंबर, सब है। मेरा जो कोशिश था ये 3% के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना मेरा कोशिश नहीं था, हम लोग का 3% के अंदर जितना आना चाहिए था काफी आ गया था टाइम के पहले, मगर 97% के ऊपर मेरा फोकस चल गया था। देखिए वो लोग भी इंसान है, उन लोगों भी चाहते, उन लोगों को वो लोग भी सपना देखता है, वो लोग भी प्रॉब्लम में है, वो लोग भी फैमिली मैन है, तो आप भी फैमिली मैन है, आपको नेटवर्किंग करना है, आपको बड़ा सपना देखना है, आप सपना साकार करना है, तो धनवंतरी या नेटवर्किंग कोई भी बड़ा इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनी में ही जाना है तो उन लोगों को भी जाना चाहिए, मगर देखो नेटवर्किंग बोलेंगे तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ तरीका निकालने के लिए कोशिश कर रहा था और कोशिश हो भी गया, अभी कंप्लीट भी हो गया, वो है अपना ऐप अपना व्यापार। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाऊंगा जिसमें सबका सब मतलब सबको हम लोग ऐप बांट पाऊंगा, कैसे? जैसे डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर का ऐप बनाएंगे देंगे, उसको नेटवर्किंग बोलने का दरकार नहीं है, जिसको जो हाउसवाइफ है उसको घर से निकल नहीं पा रहे उसको नाम पे हम लोग ऐप बना के देंगे, जो टीचर है उसका ऑनलाइन स्कूल का टीचर पे ऑनलाइन ऐप बना के देंगे, स्कूल का स्कूल मैनेजमेंट का, तो इस टाइप का हम लोग कोशिश कर रहा था, तो काफी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, अभी भी छोटा मोटा फॉल्ट आ रहा है, इसलिए काफी निगेटिविटी लीडर के माध्यम से फैल रहा था। मेरे को काफी इंसान ज्ञान भी दे रहा था, सर ऐसा मत कीजिए, कितना दिन ऐसा चलेंगे, 4 महीना हो गया सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ, ये हुआ ये हुआ, बाबू देखो हम लोग भी गधा नहीं हो, जो लोग गधा सोचते हैं वो लोग जा सकते कंपनी छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए 6 महीने के लिए 1 साल के लिए कंपनी नहीं चलाया, हम लोग आप लोगों का सपना और खुद का मेरा भी सपना है वहां पे, जैसे आपको लास्ट नंबर लेवल कंप्लीट करना है ना 1 करोड़ पर मंथ इनकम करना है, ऐसे मेरे को भी सर इनकम करना है, डेली इनकम करना है 1 करोड़, घंटे में इनकम करना है 1 करोड़, तो दोनों का रास्ता सेम है, इसलिए सर देखिए बड़ी इतिहास रचना है तो बड़ी इनकम चाहिए, तो बड़ी करियर चाहिए, तो सपना साकार करना है तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तो जिसको पेशेंस नहीं है, जिसका सपना बड़ा नहीं है, उसके लिए धन्वंतरी नहीं है सर, बुरा मत सोचना, इतना ऐसे कुछ डायरेक्ट बोल रहा हूँ काफी हार्ट पे लगने वाला है, काफी दिल पे लगने वाला है इंसान को। आज कुछ लीडर बोलते हैं सर टाइम पे ये नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है टाइम पे क्लोजिंग नहीं होता है, टाइम पे सॉफ्टवेयर का टाइम पे रनिंग नहीं होता, फास्ट नहीं होता है, सर प्रॉब्लम एनी टाइम रहेगा, कुछ ना कुछ लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहने वाला है, जब सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा तब दूसरा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, जब प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे तब दूसरा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम के नाम ही है सर जिंदगी, जिंदगी जब तक है तब तक प्रॉब्लम रहने ही वाला है। देखो ना आज मैं सोचा था आज ऑफिस में जाके यूट्यूब में आप लोगों के सामने आएंगे, काफी कुछ प्लानिंग भी किया था, इतना तबीयत खराब है कल से, तो प्रॉब्लम किसका जिंदगी में नहीं है भाई, आज बात भी कर रहा हूँ काफी तकलीफ में बात कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम एनी टाइम आता है, हर आदमी को चुनौती आएगा, और जो आदमी चुनौती के सामने सामने कर पाएंगे, चुनौती को सामने फेस कर पाएंगे वही तो हीरो बनेगा, तो मैं चाह रहा हूँ सर मेरे साथ धनवंतरी परिवार में हीरो कौन कौन बनना चाहते, सब जरूर यस लिख के भेजना, जो जो हीरो बनना चाहते हो हीरो लिखिए, और जो जीरो बनना चाहते वो कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नेगेटिविटी को बस ध्यान भी नहीं देता हूँ, जिसको कुछ भी बोलना है बोल दो, हम लोग जैसे चल रहा हूँ ऐसे चलेंगे, बहुत बड़ा कुछ करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा दिन आएगा सिर्फ धनवंतरी रहेंगे, ये डिविजन ऐसा नया एक डिवीजन चालू कर रहा हूँ, नया डिवीजन में डिवीजन आएगा हम लोगों का, देखिए सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए हम लोग जन्मा नहीं हूँ, सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी नहीं आया हूँ, पैसा तो चाहिए हर बंदे को, मेरे को भी चाहिए आपको भी चाहिए, मगर जो काम में आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मल्टी लेवल इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, जो काम में मजा नहीं है, जो काम में आशीर्वाद नहीं है,
जो काम में जुनून नहीं आता है, जो काम में मन साथ नहीं देता, जो काम में आपका पैसा नहीं आता है, वो काम काम थोड़ी होता है। देखिए हम लोग का ये जो जितना आपने बोला ना, जितना कुछ चाहिए आप लोगों को, काम में मजा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, इसी का तैयारी चालू है। सेम मल्टी लेवल नहीं करना है, किसी गांव में जाइए जहाँ पे गरीब बच्चे लोग हैं, जहाँ पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, स्कूल में ऑनलाइन, अभी लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, उसको स्कूल का सॉफ्टवेयर बना दीजिए ऑनलाइनिंग, घर में बैठ कर टीचर लोग पढ़ा पाएंगे। किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, हम लोग का धन्वंतरी पार्ट, धन्वंतरी आपका धन्वंतरी स्माइल बोल के एक फाउंडेशन है, उस उसमें अप्लाई कीजिए, सर यहाँ ये गांव में इसका प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सब मिलकर हम लोग हेल्प करूंगा सर, यही धन्वंतरी है, और इसीलिए आप लोग का अचीवमेंट होगा। हाँ अभी ऐसा भी थोड़ा थोड़ा हंसी भी आता है सर, देखिए मैं शुरुआत से आप लोग को बोल रहा था ये इंडस्ट्री का लायक नहीं था मैं, अभी भी लायक पूरा नहीं हुआ, मगर ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोशिश तो एनी टाइम करता हूँ, 24 घंटा कोशिश करता हूँ, आप लोगों का ये डिवीजन का लायक बन जाए। जो डिवीजन में देखिए करोड़ों का इनकम होता है, वो डिवीजन का जो चार पैर होता है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए बाबू, वो फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल उतना मजबूत नहीं है, बना नहीं पाया, मगर ईमानदारी से साथ बोल रहा हूँ, आप लोग मेंटली सपोर्ट कीजिए मेरे को, बना लेंगे, वो भी ऐसा बनाएंगे दुनिया देखता रहेंगे सर। कभी कभी हंसी आता है सर, दुख भी होता है, कुछ धन्वंतरी का मेंबर छोटा मोटा कंपनी को लेके, हम लोग तो छोटा हूँ, वो लोग छोटा भी नहीं, छोटा से भी छोटा है मैं तो अपने आपको एनी टाइम भिखारी बोलता हूँ, और उन लोगों को क्या बोलूंगा खुद को पता नहीं लग रहा है। एक प्रोडक्ट लेके उधार करके प्रोडक्ट लेके आया, धन्वंतरी से का कंपटीशन करने के लिए आ जाता है, आप लोग बोलिए कंपटीशन कर पाएंगे सर? धन्वंतरी का पास आज के डेट में बहुत बड़ा तो कुछ नहीं है, मगर कम भी नहीं है, 188 पेटेंट प्रोडक्ट है, 7 करोड़ का कंपनी का ऑफिस है, आप लोगों का एक फैक्ट्री ओपन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है धन्वंतरी एक कंपनी नहीं है, धन्वंतरी एक परिवार है, ये परिवार बनाने के लिए 20 साल 25 साल आदमी का लग जाता है तो भी परिवार नहीं बनता है, हम लोग खुश नसीब हूँ, आप लोगों का थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलता हूँ सबको, धन्वंतरी एक परिवार बनाने के लिए ज्यादा दिन हम लोग को टाइम नहीं लगा, से आप लोगों की वजह से ही मैक्सिमम 1 से 1.5 साल लगा है, लॉकडाउन से पहले से हम लोग तैयारी कर रहा हूँ, धन्वंतरी एक कंपनी से नहीं, धन्वंतरी हर घर में बसेगा, धन्वंतरी भी हर आदमी के दिल में बसेगा, धन्वंतरी एक हर घर में, मैं मालिक बनना नहीं चाहता हूँ, हर घर में बेटा बनना चाहता हूँ, हर घर में भाई बनना चाहता हूँ, हर घर में चाचू बनना चाहता हूँ, हर घर में बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, तो वो शायद बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, और इसलिए कभी कभी हंसी भी आता है सर, कंपटीशन मत करो हम लोगों से, हम लोग तुम लोगों से कंपटीशन करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि सेम मेरे को मल्टी लेवल नहीं करना है बाबू, इंडिया में नंबर 1 कंपनी बनना है, नंबर 1 कंपनी, देखो मैं नाम किसी से नहीं ले रहा हूँ, ये डिवीजन का जो जितना कंपनी है ना ऑल ओवर इंडिया में, जो टॉप 10 कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, जो टर्नओवर, जो टोटल प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है ना, मैं चुनौती नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी को किसी के साथ कंपटीशन नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा साथ दीजिए मेंटली मेरे को, 2022 में एक एक प्रोडक्ट में मेरा उतना टर्नओवर करके दिखाऊंगा, और ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी का लिस्ट में हम लोगों का नाम भी रहेगा, धन्वंतरी बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, उस दिन कैसा लगेगा महसूस, आप लोग धन्वंतरी का वो कंपनी का जो टॉप ऑल ओवर इंडिया का टॉप 10 कंपनी के अंदर नाम है, उसका पार्टनर है आप लोग, चैलेंज पार्टनर हो गए आप लोग, जो हम लोग का दुख है ना, एक तो हम लोग नेटवर्कर हूँ बोल के हम लोग को सम्मान नहीं मिलता, हम लोग BMW गाड़ी, ऑडी गाड़ी लेके, मर्सिडीज गाड़ी लेके घूमता हूँ, फिर भी हम लोग को सम्मान नहीं मिलता, फिर भी हम लोग को गलत सोचता है आदमी, बोलता है ना बहुत सारा इंसान सर, वो दिन गया 2022 आने दीजिए, 2022 अप्रैल, मैंने ये अप्रैल महीना है, एक साल रहने दीजिए,
2022 में अप्रैल महीने के यही टाइम पे फिर से आऊंगा, आप लोगों को पूछूंगा कैसा लग रहा है, बताना उस टाइम सर, दिल से बताना। और एक चैट और एक चीज सर आपको चैलेंज देता हूं मैं, मेरा जिंदगी रहेगा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री को तो चेंज करूंगा ही मैं करूंगा। ये जो बदनामी है हम लोग का सर के ऊपर जो बदनामी है वो तो हटाऊंगा पक्का। हम लोग का भी घर में भी आएगा न्यूज वाला, हम लोग का घर में भी आएगा मीडिया वाला, हम लोग का घर में भी आएगा मोहल्ला वाला। बधाई हो, आपका घर में बहुत बड़ा नेटवर्कर पैदा हुआ, बहुत बड़ा नेटवर्किंग से अचीवमेंट मिला, बहुत बड़ा सक्सेस बिजनेसमैन बन गया। इसलिए बधाई हो, सबको मिठाई खिलाओ, ऐसा बोलेगा आदमी लोग। टाइम आएगा सर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक दिन में इतिहास नहीं चेंज होता है। सर मैं कितना गालियां सुनाऊं, 1 साल से 2 साल से कितना गालियां सुन रहा हूँ, मगर फिर भी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये डिविजन तो जिंदगी में छोड़ नहीं पाएंगे। 10% इंसान गालियां तो देता ही है, मगर 90% इंसान मेरे को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान करता है, बहुत सम्मान दिया। जब भी 31st आता है ना, वो हीरो वाला फील याद आ जाता है। जब भी सेमिनार होता है वो हीरो वाला फील याद आ जाता है। दूसरा डिवीजन में नहीं होता है सर, हम लोग भी ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, बहुत डॉक्टर के पास जाता हूँ, बहुत बच्चा बच्चा लड़का को बड़ा किया हूँ इस डिवीजन में, नाम कमा रहा है आज के डेट में, पैसा कमा रहा है, मैं खुद हाथ हाथ पे करके सिखाऊ सिखा के दिया हूँ ये डिवीजन। एक्चुअल ट्रेडिशनल मार्केट और मल्टी लेवल बहुत आसमान जमान का फर्क है सर। आप यहाँ पे जितना चाहेंगे उतना अमाउंट सिग्नेचर कर पाएंगे, मगर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया में जॉब नहीं है जहां पे जितना मर्जी आप लिख पाएंगे। एकमात्र इंडस्ट्री है सेल्स, वो भी सेल्स, सब सब कुछ सेल्स नहीं है, जैसे मेरे पास भी सेल्समैन बहुत सारे। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग का एक प्रोडक्ट हम सफर नाम का एक सेक्सुअल प्रोडक्ट है, उसमें लगभग 250 आदमी काम करता है, 8 से 10 हजार बेचारा लोग सब इनके सैलरी मिलता है और इंसेंटिव कोई किसी को मिलता है 10 हजार, किसी को 20 हजार, किसी को 1 लाख, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है बाबू। मगर मल्टी लेवल धनवंतरी में आप 1 करोड़ रुपये इनकम कर सकते हैं। अच्छा, और एक तो गुड न्यूज देता हूँ मैं, अभी तो हम लोग का 3 से 4 4 आदमी है जो लोग 10 नंबर लेवल कंप्लीट कर चुका है, उन लोगों के लिए सब एक बार बधाई दीजिए, थैंक यू दीजिए, हिम्मत दीजिए उन लोगों को, कम से कम लास्ट नंबर लेवल 4 5 महीने में कंप्लीट हो जाए उन लोगों को। मगर मैं इतना बधाई करता हूँ सर, काफी इंसान मेरे को रिक्वेस्ट भेजा था सर, लास्ट नंबर लेवल से भी 1 करोड़ ही है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। मगर ऐसा मत सोचिए, जिस दिन 1 करोड़ में एक बंदा पहुंचेंगे उस दिन सीधा 5 करोड़ में स्लैब बना देंगे, जिस दिन 5 करोड़ में पहुंचेंगे सीधा 20 करोड़ को पहुंचा देंगे, जिस दिन 20 करोड़ में पहुंचेंगे उस दिन 50 करोड़ में इनकम में पहुंचा देंगे, ये लास्ट स्लैब होगा सर। सर मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, कितना आदमी है कौन देख रहा है मेरे को भी पता नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ ऑनलाइनिंग में मैं कुछ भी पता नहीं है, मेरा तस्वीर दिखाई दे रहा है मेरे को, इतना ही मेरे को पता है, मगर मगर कुछ ना कोई ना कोई आदमी मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, दिल से सुन रहा है। काफी तबीयत खराब है सर, और भी बात करना था मगर ज्यादा बात और नहीं करूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा सर, धनवंतरी आज पुराना धनवंतरी नहीं है, आप लोग के बजाय से आज के डेट में धनवंतरी काफी बड़ा कंपनी हो गया। छोटा छोटा चुनौती एनी टाइम आएगा, थोड़ा फेस कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम लोग करके दिखाऊंगा सर सब मिलके। और एक बात सर याद आया सर, आज से कुछ भी सपना देखना,
किसी का सपना धन्वंतरी परिवार में, नहीं मैं 10 नंबर लेवल कंप्लीट करूंगा, कोई किसी का 12 नंबर लेवल कंप्लीट करूंगा, या कुछ किसी को BMW चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, वो सपने को से माइंड में मत रखो, यहाँ पे तो रखो ही रखो, इसके साथ खाते में कलम, कलम में लिखो, कलम से खाते में लिखो। और ऐसा क्या लिखो उसमें, 4, 3 या 6 में डिवाइड करो। क्यों 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 चाहिए आपको, क्यों का क्वेश्चन 3 या 6 में डिवाइड करो। आपको क्यों 1 करोड़ चाहिए मेरे भाई? 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होता है, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होता है। मालूम है अपना जिंदगी कितना सेकंड का है? 1 करोड़ 20 लाख सेकंड का होता है एक जिंदगी एवरेज में, क्योंकि अपना एवरेज में जो आदमी का जिंदगी, आप इंसान का जिंदगी करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे तो 60 से 65 साल होता है। तो 60 साल को कैलकुलेशन करेंगे आपका सेकंड में, तो 1 करोड़ के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, 1 करोड़ 20 लाख सेकेंड होता है, और आप 1 करोड़ कमाने वाले हो सर। थोड़ा सा चुनौती आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ सर थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा लिखिए, नोट कीजिए, छे छेद में डिवाइड कीजिए। जो सपना है साकार करने के लिए ना, आपको क्यों का जवाब आपका खुद के पास नहीं रहेगा तो जिंदगी में आप सक्सेस नहीं बनने वाला है सर। कुछ बंदा है, आप आज ये डिविजन में अनसक्सेस बहुत है, इंडिया में जॉबलेस बहुत है, इंडिया में बहुत सारे इंसान के पास काम नहीं है, बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे पास काम नहीं है, ये नहीं एग्जैक्टली उन लोगों को ना, इन लोगों को क्यों का मतलब, मैं क्या करना है, क्या करना है मेरे को, वही पता नहीं है 99% इंसान को। इसीलिए सब अनसक्सेस ज्यादा है ये डिविजन में, और भी काफी इंडिया में काफी काफी ज्यादा है सर। काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ भाई, बिजनेस करो, बिजनेस करने के लिए पैसे का जरूरत हर बिजनेस में नहीं होता है मेरे भाई, है पैसा भी नहीं है आपके पास, आपके पास काम भी नहीं है, फिर भी नेटवर्किंग को बदनाम करेंगे, धनवंतरी को बदनाम करेंगे, मल्टी लेवल को बदनाम करेंगे, कहाँ का है भाई आप लोग, कौन सा देश का है? मेरे को कभी कभी हंसी आप लोगों के ऊपर आता है, मत हंसो हम लोग के ऊपर, एक टाइम आएगा 2022 में दिखा दूंगा हम लोग भी बाबू, हम लोग पढ़ा लिखा अंगूठा छाप नहीं हूँ। तुम लोग पढ़ा लिख के, तुम लोग की पढ़ा लिख के ना, तुम लोग की अंगूठा छाप हो, ये टाइम आ गया हम लोगों का। जो भी है सर, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी करना है अभी आज के डेट में ना, थोड़ा सा फैशन के साथ कीजिए, थोड़ा स्टाइल के साथ कीजिए, अभी जूम मीटिंग में सबको आना है, ऑनलाइन बिजनेस सबको सीखना है, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, फिर से घर में बैठ के ही बिजनेस करना पड़ेगा हम लोगों को। आप लोगों के साथ हूं मैं, जिंदगी भर रहूंगा, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आज सर। तबीयत गले में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, काफी प्रॉब्लम, काफी बोलने के लिए भी तकलीफ हो रहा है, मगर एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ जाते जाते सर, कि बंदा धन्वंतरी के साथ दिल से जुड़ा हुआ ना, वो कितना आदमी पता नहीं मेरे को, 100 आदमी या 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, पता नहीं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज मैं बोल रहा हूँ 900 से लेके 1000 आदमी, सतीश भाई जब बोल रहा था ना, जब प्रोग्राम शुरू किया था तब दिखाई दे रहा था, अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सतीश का कभी कभी तो मुख दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी कभी कभी दिखाई दे रहा अभी भी 800 से है। अधिक लोग धन्वंतरी के हैं। दिल से सर, एक 100 100 आदमी भी रहेंगे ना सर, 100 आदमी मैं बोल रहा हूँ, जुड़ा रहिए धन्वंतरी के साथ, तो भी ये इंडस्ट्री का इतिहास चेंज करके रखेंगे सर। ज्यादा आदमी नहीं है, 100 आदमी भी नहीं रहेंगे तो भी हम लोग इतिहास चेंज करने वाला हूँ ये डिविजन का, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग ऐसा इंसान हूं सर जिसका पास सिर्फ सपना होता है या जुनून होता है, बाकी कुछ नहीं रहता है, उसके पास से भी काम निकाल के लेके आता हूँ, ऐसा इंसान हूँ जिसके पास जीने का सहारा ही छूट छूट गया था, जो 8 महीना 10 महीना 2 साल तक घर में नहीं जा पाया था, आज धन्वंतरी परिवार में 20 लाख 50 लाख ठोक रहा है पार मान, ठीक है,
ऐसा इंसान हूं हम लोग सर। सर बना रहिए, साथ दीजिए, मेंटली साथ दीजिए। ऐसा कुछ करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया सर, दुनिया में ना सर, एक्चुअली जब सक्सेस होता है तब सब तालियां देता है। सक्सेस के पीछे जो हम लोग का मेहनत, जो दर्द है, वो कोई नहीं देखता है। और जब नया कुछ लेके आने की कोशिश कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान करता है ना, तब आदमी सब हंसता है। हंसना है, हंसो जितना मर्जी। मैं भी हंस रहा हूँ, जितना मर्जी हंसो बाबू। आज देखा लोचन साहू का एक बीएमडब्ल्यू चला गया, हंसो जितना आदमी हंसना है हंसो। जिसका बीएमडब्ल्यू लेना है वो मत हंसो, उसको टारगेट बनाओ, विजन बनाओ। मेरे को भी लेना है, मैं भी ले सकता हूँ, मेरे को आज नहीं तो कल ऑडी खरीदना ही है, लेना ही है, बंगलो खरीदना ही है। और जिसको हंसना है, जिसको मजाक उड़ाना है, जिंदगी भर करो। 60 साल का उम्र हो जाएंगे तो भी नहीं सुधरने वाला हो आप लोग। 70 साल भी काफी हासिल, कभी कभी सलब दुख भी होता है। 70 साल की उम्र में भी कंपनी चेंज करता है, 60 साल की भी उम्र कभी चेंज करता है आदमी। घर में दो दो बच्चा है, घर में ठीक से ढंग का घर नहीं है, ढंग का कमरा नहीं है, फिर भी कमियां ढूंढता है धनवंतरी का। जब धनवंतरी में कुछ लीडर आया था ना, कुछ नहीं था, आज कमा रहा है 20 लाख, और आज सिर्फ धनवंतरी कमजोरी ढूंढ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक एक लीडर ऐसा है, उन लोगों के साथ जो जो सुन रहा है उसको पता है किसको बोल रहा हूँ मैं। मेरे को आके बोला सर एक काम कीजिए, मेरे को ना सर ज्यादा नहीं है, 30,000 रुपया मिल जाएगा ना मंथली, बाकी पैसा आप रख लीजिए। आज वो लोग कमा रहे हैं 5 लाख रुपया मंथली, उसका पेट नहीं भर रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं मालूम है, कंपनी ज्यादा इनकम कर रहे हैं, कंपनी का हो रहा है बिल्डिंग, मेरा क्या है, कंपनी का मालिक का आपका क्या, मार्सिडीज हो रहा है, मेरा क्या है। भैया कंपनी आपका भी है, कंपनी पूनम मेयर का अकेले का नहीं है, पूनम मेयर का पापा का अकेले का नहीं है। जब तक नहीं सोच पाएंगे ये कंपनी मेरा है, मेरा प्रॉब्लम कंपनी का जो है मेरा प्रॉब्लम है, कंपनी का मैनेजमेंट मैं हूँ, मेरा टीम पूरा मैनेजमेंट है, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भागते ही रहेंगे आप, भागो 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 भागो, जितना मर्जी भागो। धनवंतरी छोड़ना है, छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, धमकी मत दो, छोड़ दो। क्योंकि पूनम मेयर धमकी से नहीं डरता है। 2017 में दिसंबर को जब कंपनी चालू हुआ था, 6 महीने में बर्बाद हो गया था मैं, 9.5 करोड़ लॉस हुआ था, कोई नहीं साथ दिया था मेरे को, कोई नहीं साथ दिया था, सिर्फ भगवान था ऊपर में बैठा हुआ है और मैं अकेला हूं फाइट कर रहा था। इसलिए धमकी मत दो मेरे को, जिसको जाना है जाओ भाई, जो मर्जी करो, मगर ये प्रॉमिस करता को, जिस दिन आपका घर के बगल में ना 1 करोड़ इनकम जाएंगे, तब पछतावा आएगा, तब पूछेंगे आपको, बाबू क्या हुआ। हंस रहे थे बहुत, हाँ धनवंतरी का सॉफ्टवेयर के लिए हंस रहा था, धनवंतरी का प्रोडक्ट के लिए हंस रहा था। भाई जब भी कोई बड़ा चुनौती आया, जब भी कोई बड़ा चेंजेस आया, तब भी हंसता है आदमी, पता है मेरे को, मेरे ऊपर भी हंस रहा है, धनवंतरी मैनेजमेंट के ऊपर भी हंस रहा है। इसलिए मैं तैयार हो जाऊं हंसने वालों, ज्यादा दिन नहीं है 2022, और ज्यादा दिन लॉकडाउन नहीं रहने वाला है, सुधर जाओ। अभी भी कोई भी कंपनी करो, दिल से करो, अपना मन के करो, धनवंतरी करो और ना करो, दिल से करो, क्योंकि आपका भी परिवार है, परिवार के लिए काम करना है तो दिल से करना पड़ेगा आपको। और जितना भी बंदा धनवंतरी कर रहा है, दिल से करो आप लोग, थोड़ा सेफ्टी में रहो। शुरुआत जब किया था मैंने आपको बोला, आयुष्कत पाउडर, सैनिट आयुष्कत पाउडर और आपका मुंह सुदर्शन बिल्कुल गन और अश्वगंधा, ये तीन प्रोडक्ट, कम से कम दो प्रोडक्ट तो डेली लेना ही है, 3 बार करके, और जम के काम करो। ऑल द बेस्ट, जय धनवंतरी। कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो माफ कर देना भाई को। हाँ तबीयत भी खराब है। हाँ और भी बहुत कुछ बोलना था, और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, और इस महीना एक एक ऑफर जाएगा वेबसाइट में। पिछले महीना जो लोग एक फर्स्ट नंबर लेवल कंप्लीट कर चुका है, अचीवमेंट मिला है फर्स्ट नंबर लेवल,
सेकेंड नंबर लेवल वो लोग इस महीना कंप्लीट करेंगे तो कुछ क्या बात एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, वो पता नहीं अभी तक क्या कैलकुलेशन हुआ ऑफिस में, मैं आज नहीं जा पाया, कल जाऊंगा और वेबसाइट में आपको दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय धन्वंतरी। फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, जिसको BMW चाहिए उसके लिए धन्वंतरी है, जिसको 1 करोड़ रुपए इनकम करना है उसके लिए धन्वंतरी है। सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ। हाँ बुरा मत सोचना, जिसको 5 रुपया से लेके 50 रुपया कैलकुलेशन करता है, जिन लोगों का 20-20 हजार रुपया के लिए सिर्फ काम करता है, सपना देखता है, उन लोगों के लिए बाबू धन्वंतरी नहीं है। आप लोग कोचिंग सेंटर में ज्वाइनिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, खेती बाड़ी करो, या दूसरे कंपनी में भाग जाओ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, एंड इट वॉज वेरी अमेजिंग।